हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं संदीप कुमार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में नेवी SSR AA के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसमें गाइस आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट या फिजिकल प्रोसेस के बारे में आपको बात बताएंगे हम, ठीक है? कुछ तो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों, खजा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना गूगल ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ठीक है, तो फ्रेंड नीचे देखिए गूगल सर्च, आपको ये साइट जो भी मैं यहाँ पे फिलअप की है ना, यहाँ पे आपको मतलब गूगल में डाल के आपको सर्च कर लेनी। तो सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस फर्स्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट। ठीक है, आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ये साइट है, ऑफिशियल साइट, आपको ये ओपन कर लेनी है। तो मैं ओपन कर देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए www.sarkarirezult.com, गाइस ये एक ऑफिशियल साइट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोई भी न्यूज लेना चाहते हो, कोई भी फॉर्म के बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस साइट पे आकर आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड नीचे आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब पे नेवी, इंडियन नेवी SR AA अगस्त 2020। ठीक है गाइस, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स देना चाहता हूँ अभी, तो इस पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट नेवी SR AA, ठीक है, जो कि फॉर्म अभी हाल ही में आए हुए हैं। इसमें गाइस आपकी मतलब कि एप्लीकेशन बिगिन की देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8/11/2019 से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो रखे हैं ये, और जिनकी आपकी लास्ट डेट रहेगी 18/11/2021 में, मतलब इसी महीने में है। ठीक है, और इसमें अगर आपकी एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, जनरल OBC इसमें 205 रुपये हैं, SC ST के लिए इसमें आपके कोई फीस नहीं होगी। और इसका जो आप ये मतलब फीस पे है, आप एक क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आराम से। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, आप दोनों से अपनी फीस पे कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700 आपकी टोटल पोस्ट है जिसमें। और नीचे देखिए सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट SR का, अगर आप फॉर्म फिलअप डालना चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए SR की आप इसमें आपके कम से कम इसमें 2200 पोस्ट है SR की। इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप देखिए 1/8/2000 से लेके 21/7/2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आपके पास इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपके पास +2 होनी चाहिए, आपके पास मैथ, फिजिक्स, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। मतलब गाइज आपके लिए मतलब आपके पास मैथ, फिजिक्स तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये भी होना, मतलब इनमें से एक होना चाहिए। ओके, और गाइस नीचे देखिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA। ठीक है गाइस, अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो AA वाला, इसके आपकी वैकेंसी 500 वैकेंसी है कुल इसमें। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2000 से लेके 31/7/2003 के बीच में आपकी होनी चाहिए। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके पास +2 पास होनी चाहिए नॉन मेडिकल से, आपके 60% मार्क्स इसमें होने चाहिए कम से कम। और यहाँ पे देखिए आपके पास मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, और वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके पास बायोलॉजी या कंप्यूटर में से एक होना चाहिए। आपके पास मैथ तो मतलब कंपलसरी दिया गया है आपको, ये तो आपके में मतलब दोनों में होना चाहिए आपके पास मैथ +2 में। ठीक है, नीचे देखिए फ्रेंड्स फिजिकल एलिजिबिलिटी। इसमें अगर आपकी फिजिकल की बात की जाए, यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स आपकी जो इसमें हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, आपकी रनिंग जो है टाइम यहाँ पे देखिए 1.6 किलोमीटर, या का मतलब गाइज हो गया 1600 मीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर आपकी रेस कंप्लीट होनी चाहिए 7 मिनट में। और गाइज अगर आपकी रेस की तैयारी नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बता देना फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपकी अलग से वीडियो बना दूँ, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता देना कि मेरी फिजिकल की तैयारी नहीं है। ठीक है, नीचे देखिए फ्रेंड्स स्क्वेट UPS उठक बैठक, आपसे वहाँ पे गाइज 20 उठक बैठक करवाई जाएंगी। पुश UPS आपके हिसाब से गाइज वहाँ पे 10 पुश मरवाए जाएंगे। ठीक है, ओनली 10 इजी, यार इसे आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें आपका जो मैन है ये आप इस पे रेस पे जोड़ करना बस, ठीक है, और बाकी आपका नॉर्मल है इसमें आराम से हो जाएगा। जिनकी रेस की तैयारी नहीं है मुझे कमेंट करके बता देना गाइज, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँ, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। आप ये मान लो कि 15-20 दिन में अपनी रेस की तैयारी कंप्लीट कर लोगे जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, गाइज ये फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रखे हैं, आप इन फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, और गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, फिर आपको कुछ बात पूछनी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज आप मुझे कमेंट करें गाइज नीचे। ठीक,
और गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को फटाफट नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि गाइज मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, ठीक है, एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।